Assalamualaikum to all of you। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन हमारे पास है कि लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी। मीन्स के हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए हमारे पास दो फंक्शन हैं जिन्हें हमने इस फंक्शन एफ और जी का नाम दिया है। फंक्शन एफ जो है हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई एंड हमारे पास जो जी है वो फंक्शन है फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी। जैसे कि हमारे पास एक सेट है सेट एक्स सेट वाई सेट जी एक्स वाई जी। हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट बाय। इस तरह हमारे पास जो सेट जी है वो हमारे पास फंक्शन है सेट बाय टू सेट जी। द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज अ फंक्शन डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ। कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी को हम जी ऑफ एफ से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे ब्रीफली हम जी एफ भी कह सकते हैं। सिंपली इज डिफाइंड हैज जी ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल है जी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। मीन्स के हमारे पास जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स एक्स हमारे पास यहाँ पर जी के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है एफ एक्स, लेकिन एट अ टाइम हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते कंपोजिशन में। तो इसके लिए हम इसे सिंप्लीफाई करवाएंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जी को वैसे ही रहने देंगे पॉइंट की प्लेस पे ब्रैकेट एफ एक्स। मीन्स के हम पहले एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसे हम जी वो एक्स एफ एक्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो एक्स है वो बिलोंग करेगा सेट एक्स में से। मज़ीद एग्जांपल की मदद से कंपोजिशन फंक्शन हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जांपल है कि हमारे पास कि लेट द रियल वैल्यू फंक्शंस एफ एंड जी। रियल वैल्यू फंक्शन मीन्स के ऐसे फंक्शंस जिनकी रेंज हमारे पास रियल नंबर्स हो तो वो हमारे पास रियल वैल्यू फंक्शंस कहलाते हैं। एफ एंड जी मीन्स के हमारे पास एफ एंड जी दोनों रियल वैल्यू फंक्शंस हैं। मीन्स के इन दोनों की डोमेन तो रियल नंबर है ही, लेकिन इन दोनों की रेंज भी हमारे पास क्या हो, रियल नंबर्स हो। वी डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल है टू एक्स प्लस वन एंड जी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स के। ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एफ जी ऑफ एक्स, सेकेंड पे जी एफ ऑफ एक्स, थर्ड पे एफ स्केयर ऑफ एक्स एंड जी स्केयर ऑफ एक्स। यहाँ एफ स्केयर ऑफ जी स्केयर से मुराद एफ ऑफ एफ जी एक्स है और जी स्केयर से मुराद जी ऑफ जी ओ एक्स है। इस तरह अप टू सोन हम एफ क्यूब एफ फोर अप टू सोन एन टर्म तक इन्हें कर सकते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एफ जी ओ एक्स। हमारे पास एफ फोर जी की वैल्यू गिवन्स हैं, तो हम क्या करेंगे एफ फंक्शन को वैसे रहने देंगे, हम जी ओ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जी ओ एक्स की प्लेस पे जो कि हमारे पास है एक्स केयर। अब हमारे पास जो एफ फंक्शन की वैल्यू उसमें हम एक्स केयर एक्स की प्लेस पे एक्स केयर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स केयर प्लस वन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स केयर प्लस वन। तो ये था हमारे पास एफ जी ओ एक्स का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे जी एफ ऑफ एक्स। जी एफ ऑफ एक्स सॉल्व करने के लिए हमारे पास जी फंक्शन वैसे ही रहेगा जबकि एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है टू एक्स प्लस वन। अब हम जी के फंक्शन में एक्स की प्लेस पे टू एक्स प्लस वन पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा टू एक्स प्लस वन का स्केयर।
तो ये है हमारे पास जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। हमने पीछे जब एफ जी ओ एक्स सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया था 2x² + 1, और जब हमने जी एफ ऑफ एक्स सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 2x + 1 होल का स्केयर। तो जनरली हमारे पास जी एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी ओ एक्स, बिकॉज जी एफ ऑफ एक्स मीन्स दैट एफ इज अप्लाइड फर्स्ट देन फॉलोड बाय जी, वेयर हैज एफ जी ऑफ एक्स मीन्स दैट जी इज अप्लाइड फर्स्ट देन फॉलोड बाय एफ। क्योंकि जी एफ ऑफ एक्स में हम पहले एफ को सोल्व करते हैं देन हम जी को फॉलो पर अप्लाइड करते हैं, इसी तरह एफ जी ऑफ एक्स में हम पहले जी को अप्लाइड करवाते हैं फिर उसके बाद एफ को फॉलो करते हैं, इसलिए जनरली जी एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स होते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे एफ स्क्वायर ऑफ एक्स मीन्स एफ एक्स। हम फर्स्ट एफ को वैसे रहने देंगे और दूसरी प्लेस पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 2x + 1। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फंक्शन एफ की वैल्यू पे जहाँ पे हमारे पास एक्स है वहाँ पे हम 2x + 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 2x + 1 + 1। तो जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया जाएगा 4x + 2 + 1, ये आ जाएगा 4x + 3। अब हम सॉल्व करेंगे जी स्क्वायर ऑफ एक्स मीन्स के जी ऑफ एक्स। तो फर्स्ट जी वैसे जी एक्स की प्लेस पे एक्स के लेफ्ट पे जो एक्स वैल्यू में अगेन एक्स के, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी स्क्वायर ऑफ एक्स का। उम्मीद है कि आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की समझ आ गई होगी कि कैसे हम फंक्शन को पे कंपोजिशन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हमारे पास है कि लेट एफ बी अ वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन होने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है हमारे पास बाइजेक्टिव हो। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि ऐसा फंक्शन जो हमारे पास एट अ टाइम 1 भी और ऑन टू भी, वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के लिए हमारे लिए फर्स्ट कंडीशन है कि फंक्शन का बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास फंक्शन बाइजेक्टिव है तो देन हम उसका इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है तो हम वहीं पर कह देंगे कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद है कि द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ डिनोटेड बाय एफ इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स एंड इज डिफाइंड बाय, मीन्स कि हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ है वो हमारे पास डिफाइन होता है वाई ऑन टू एक्स, मीन्स कि अगर हमारे पास एरो डायग्राम है एक्स वाई, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन जैसे कि फंक्शन की एरो डायग्राम थी कि हमारे पास फंक्शन होता है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। अब क्योंकि हम इनवर्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यह हमारे पास फंक्शन होगा सेट वाई टू सेट एक्स। इसे हम डिफाइन करते हैं कि एक्स इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग टू वाई if and only if y equal f of x for all x belong to x। हमारे पास x equal to f inverse of y होगा for all y belong to y if and only if y equal f of x for all x belong to x। हम जानते हैं कि हमारे पास y equal होता है f of x, जब हम f को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास f inverse भी आ जाएगा, यानी f inverse of y equal है x, यही चीज़ बताई गई है। उसके बाद द इनवर्स फंक्शन रिवर्सिस द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, मीन्स के जो हमारे पास
इन्वर्स फंक्शन है वो रिवर्स होता है ओरिजिनल फंक्शन का। जैसे कि मैंने अभी आपको एरो डायग्राम में बताया है कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो हमारे पास सेट एक्स टू सेट वाई फंक्शन होता है मैपिंग करता है, जबकि हमारे पास जो इन्वर्स वो फंक्शन है वो हमारे पास सेट वाई टू सेट एक्स मैपिंग करता है। उसके बाद हमें बताया गया है कि जो हमारे पास एफ इन्वर्स ऑफ वाई है वो इक्वल होगा एक्स के व्हेन, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई और हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा वाई जब हमारे पास एफ ऑफ इन्वर्स इक्वल होगा एक्स के। उसके बाद हमारे पास है कि वी कैन फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन एफ एंड एफ इन्वर्स हैज फॉलो, कि हमने ये पीछे सिंपली फंक्शन की कंपोजिशन के बारे में देखा था, अब हम बात करें इन्वर्स फंक्शन की कंपोजिशन के बारे में। जो कि हमारे पास है कि एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ इन्वर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ इन्वर्स ऑफ वाई इक्वल एक्स, क्योंकि हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है तो वाई, बस सिंपली यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे एक्स वाई पुट कर दिया जो कि हमारे पास इक्वल है एक्स, जो कि हम ऊपर बता चुके हैं। इस तरह हमारे पास एफ ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ वाई इक्वल है एफ, वैसे ही एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ वाई इक्वल है एफ इन्वर्स ऑफ वाई की प्लेस पे एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई। वी नोट दैट एफ इन्वर्स ऑफ एफ एंड एफ ऑफ एफ इन्वर्स आर आइडेंटिटी मैपिंग ऑन द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एंड एफ इन्वर्स ऑफ रिस्पेक्टिवली, मीन्स कि हमारे पास जो एफ इन्वर्स ऑफ एफ और एफ ऑफ एफ इन्वर्स एंड आइडेंटिकल मैपिंग है, मीन्स कि इन दोनों की डोमेन और रेंज जो होती है वो यूनिक होती है आइडेंटिकल होती हैं, मीन्स के सेम आंसर आता है। अब हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे जिससे हमारे पास इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास अल्जेब्रिक मेथड फाइंड द इन्वर्स फंक्शन, मीन्स के हम अल्जेब्रिक मेथड से हम किस तरह इन्वर्स फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। बताया गया है कि द इन्वर्स फंक्शन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द अल्जेब्रिक मेथड हैज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। एग्जांपल क्या है कि लेट एफ ऑफ आर अप्रोच टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय, मीन्स के हमारे पास कोई फंक्शन है रियल वैल्यू फंक्शन, क्योंकि इसकी डोमेन भी हमारे पास रियल नंबर है और रेंज भी, एफ ऑफ एक्स इक्वल है टू एक्स प्लस वन फाइंड एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, मीन्स के हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, हमने इसका इन्वर्स लूम करना है। हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है वाई के और यहाँ पे हमारे पास गिवन वैल्यू एफ ऑफ एक्स है टू एक्स प्लस वन, मीन्स हमारे पास जो y है वो हमारे पास इमेज है x की अंडर f यानी फंक्शन के, हमारे पास जो y है वो इमेज है x की अंडर फंक्शन f के। उसके बाद तो इनवर्स ऑफ x मालूम करने के लिए हम सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करें, हम लिखेंगे y इक्वल है 2x प्लस वन, 2x को इस तरह ऐसे ही रहने देंगे, मैं प्लस वन को दूसरी तरफ लिखेंगे जो कि हमारे पास हो जाएगा y माइनस वन। दिस इम्प्लाइज हमारे पास एक्स वैसे रहेगा टू इस तरफ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, और हम जानते हैं कि हमारे पास जो एफ इन्वर्स ऑफ वाई है वो इक्वल होता है एक्स के, तो हम सिंपली यहाँ पे एक्स की प्लेस पे लिख सकते हैं कि एफ इन्वर्स ऑफ वाई इक्वल है वाई माइनस वन ओवर टू के। लेकिन हमें तो यहाँ पे एफ इन्वर्स ऑफ एक्स चाहिए ना कि एफ इन्वर्स ऑफ वाई, तो हम सिंपली एक्स की प्लेस पे वाई रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस वन ओवर टू। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस वन ओवर टू, इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल है एफ फंक्शन, वैसी एफ इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास आई थी एक्स माइनस वन ओवर टू। इसको जब हम एफ की वैल्यू में एफ फंक्शन की हमारे पास वैल्यू क्या थी टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे जब हम एक्स की प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा टू एक्स माइनस वन ओवर टू प्लस वन, टू से टू कैंसिल, बाकी हमारे पास आ जाएगा एक्स
माइनस वन प्लस वन, वन से वन कैंसिल, हमारे एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। अब हम सोल्व करेंगे एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को, तो एफ ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू थी कि एफ इनवर्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब एफ इनवर्स की वैल्यू में हम एक्स की प्लेस पर टू एक्स प्लस वन पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा वन ओवर टू एक्स की प्लेस पे टू एक्स प्लस वन माइनस वन, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल। उसके बाद हमारे पास आ गया वन ओवर टू मल्टीप्लाई टू एक्स, टू से टू कैंसिल और इक्वल टू वन, मीन्स कि हमारे पास एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। दोनों का आंसर एक्स एक्स आया, मीन्स कि हमारे पास आइडेंटिकल मैपिंग है। तो ये हमारे पास था इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन की, उसके बाद इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।